राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कान्हा क्रिएटर्स पर एक बार फिर स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं कान्हा जी से रिलेटेड। आज हम बनाएंगे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक, बिल्कुल मार्केट जैसी और अच्छी फिनिशिंग के साथ, जिससे कि आपके धागे वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे और इसकी मदद से आप किसी भी फैब्रिक में ड्रेस बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम मटेरियल देख लेते हैं, क्या क्या हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए इस टाइप का कोई भी फैब्रिक, ले सकते हैं आप अपनी चॉइस से किसी भी कलर का। हमने ये लिया है, इसकी चौड़ाई हमने काटी है करीब करीब 6.5 इंच। इसकी हमने पूरी एक पट्टी निकाल ली जितना कपड़े का अरज होता है, और एक हमने आर्कंडी की पट्टी ली है जो कि 9 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है, जिससे हम चोली बनाएंगे। और ये हमने बुकरम लगा के तैयार की हुई है आरकंडी। ये इसकी टोटल लंबाई 4 इंच है, ये देखिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी 4 नंबर के हैं तो 4 इंच ही लेंगे हम। और इसकी जो लंबाई है वो हमने ली है 28 इंचेस। उसके बाद हम लेंगे कुछ इस टाइप की लेस, हमने इस टाइप की ली है, आप कैसी भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से, और गोल्डन गोटा। चलिए सबसे पहले हमने इसके, ये देखिए आरकंडी नीचे है और बुकरम ऊपर है, इसके ऊपर हमें फैब्रिक चढ़ाना है। हम पहले जो इसकी किनारी है हम उसको पहले कट कर लेंगे इस टाइप से, क्योंकि इस अगर हम ये रहेगी तो इससे हमारी ड्रेस में झोल आ सकता है। ये देखिए हमने कट कर लिया है, ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है। हम उल्टी साइड को ऊपर रखेंगे और एक पैर की यानी कि 1 फुट की सिलाई लगाएंगे, जो मशीन का एक पैर होता है ना उसके बराबर एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे हम इस तरीके से पूरी पट्टी पर इस तरीके से। बाकी का जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, ये देखिए इस टाइप से कट कर लेंगे। और ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक हम चोली बनाने के लिए और पगड़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पलटेंगे और एक हल्का सा उंगली से इसको प्रेस करेंगे और इसको फोल्ड करके, ये देखिए इस टाइप से फोल्ड करना है आपको इस टाइप से, यानी कि सीधी साइड। अब हम इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, आप चाहे तो 5 नंबर की भी लगा सकते हैं। देखो किनारे पे सिलाई लगा देंगे, ये सिलाई हमारी लेस से कवर हो जाएगी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। देखिए इस टाइप से सिलाई लगा लीजिए, ये हमारी सिलाई लग गई है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी से फिनिशिंग आई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि इससे झोल आ सकता है। पूरी हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, इसके तीनों साइड जो खुली हुई साइड्स हैं उस पर इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा लीजिए, ये देखिए। और ये हमारी सिलाई लगकर बिल्कुल तैयार है पट्टी, ये देखिए बिल्कुल कहीं झोल नहीं आया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने लेस ली है उसको हम अटैच करेंगे, बिल्कुल मिलाते हुए नीचे से मिलानी है हमें, और एक सिलाई से हम टेकेंगे इसको, हमें इसके ऊपर डबल सिलाई नहीं लगानी है। अगर हम डबल सिलाई लगाते हैं तो हमारी जो सुई है वो टूट सकती है, क्योंकि इस पर स्टोन्स लगे हुए हैं और मिरर लगे हुए हैं, इसलिए हम सिंगल सिलाई लगाएंगे सिर्फ एक साइड पे ऊपर की साइड। अगर आप विदाउट मिरर या स्टोन वाली लेस लेते हैं तो आप दोनों साइड पे सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो एक साइड से भी काम चल जाएगा। बाकी के हम एक्स्ट्रा लेस हमने कट कर दी है। अब हम गोल्डन कलर का रिबन लेंगे और रिबन को हम दोनों साइड्स पे हाफ ऊपर और हाफ नीचे फोल्ड करते हुए इस तरीके से लगाएंगे, जिससे कि हमारे धागे नहीं निकलें। ये देखिए इस तरीके से जो हमारा थोड़ा सा रफ आ रहा था वो उसको हम कट कर लेंगे
और हम इसको हाफ ऊपर और हाफ नीचे करके जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से अटैच कर लेंगे सिलाई से। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और थ्रेड्स भी नहीं निकलेंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग करते चलिए। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। हमने दोनों एक साथ लगाए हैं ताकि हमारा जो रिबन है वो कम वेस्टेज हो उसकी, अब बिल्कुल सही तरीके से लग जाए। देखिए इस तरीके से हमारा लग गया है। एक्स्ट्रा जो हम कट कर लेंगे इसको, अब सेंटर से भी कट कर लेंगे ताकि ये अलग अलग हो जाए। ये देखिए ये पट्टी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। और ये देखिए इससे हमारे थ्रेड्स निकलेंगे भी नहीं, और सिर्फ हमने सिर्फ एक ही साइड सिलाई लगा कर लेस को अटैच करा है। अब हम चोली बनाते हैं। ये हमारा सीधी साइड है और ये पट्टी है हमारी। अब हम इसको उल्टा रखेंगे और जो किनारी है उसको पहले हम काट लेंगे ताकि झोल ना आए। ये काट ली हमने। अब हम इसको पट्टी को रखेंगे साइड में और इसकी चारों साइड पे एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि इसमें झोल भी ना आए और अच्छे से हमारा जो रिबन लगाएंगे हम वो रिबन भी लग जाए। देखिए इसी तरीके से ये हमारी दो साइड लग चुकी है। अब ये तीसरी साइड लग रही है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे बिल्कुल ध्यान से। हमारी पट्टी नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक कटना है हमने। जो साइड में धागे निकल रहे हैं हम उसको भी काट के फिनिशिंग कर लेंगे बिल्कुल। ये पट्टी हमारी कपड़ा चढ़ के तैयार है। अब हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे। दो साइड्स पे हमें गोटा लगाना है। जो हमारी लंबी वाली साइड्स है उन पर हमें गोटा लगाना है इस तरीके से। जैसे मैंने आपको ड्रेस के लिए बताया उसी तरीके से आपको चोली की पट्टी में भी लगाना है। इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारा एक साइड पे लग चुका है। अब हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो हम कट कर लेंगे। अब हमें इसको हाफ फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से, जिससे कि हमारे दो पीस रेडी हो जाएं। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक से डेढ़ इंची तक एक सिलाई लगानी है, वो भी हल्का सा टेढ़ा कर। अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं। और मैंने धागा तोड़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा ले गया हूँ रिबन के ऊपर ही। देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है, हमारे दो पीस जुड़ गए हैं। हम इसको फोल्ड करके एक टेढ़ी सिलाई लगाएंगे साइड्स में। उससे पहले हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हम उसको कट कर लेंगे अंदाजे से। आप चाहें तो नाप के भी कर सकते हैं। ये टोटल हमारी 2 इंच की बैठ रही है चोली। ये बिल्कुल ठीक आएगी हमारे ठाकुर जी के। हम दूसरी साइड का भी ऐसे कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा। हम एक्स्ट्रा इसलिए लेके चलते हैं ताकि कुछ ऊपर नीचे हो तो आराम से हो जाए। अब हम टेढ़ी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अभी दिखाते हैं हम आपको दूसरी साइड पे भी लगा के। इस तरीके से ये देखिए हमने टेढ़ी सिलाई लगाई है और स्लीव्स के लिए जगह छोड़ दी है हमने ताकि ठाकुर जी का जो हाथ है वो आराम से निकल जाए। इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड का भी पलट लेंगे। और ये देखिए हमारी चोली बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर प्लीट्स भरेंगे। आप चाहें तो नाप कर भी भर सकते हैं। हमने अंदाज़ा ही आधा इंच की प्लीट्स भर रहे हैं, आधा आधा इंच की। हम पूरी पट्टी पे ऐसी ही प्लीट्स भर लेंगे पहले हाथ से और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे जिससे कि प्लीट्स बैठ जाएंगी।
जब हम इसको छोड़ेंगे तो बिल्कुल सेट रहेंगी ये प्लीट्स, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगी, मतलब फ्लैट नहीं होंगी, जिससे हमें सिलने में बहुत आसानी होगी। पहले हम प्लीट्स ही भर लेंगे सारी, जिससे कि हमारी ड्रेस बहुत जल्दी बनेगी। ये देखिए इस तरीके से आपको प्लीट्स भरनी है। और दबा देंगे अच्छे से। ये देखिए प्लीट्स भर के तैयार हैं। अब हम इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरीके से पहले चार पांच भर लें, उसके बाद सिलाई लगा दें थोड़ी सी, उसके बाद आगे ही भरें इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी प्लीट्स भर लेंगे। ये देखिए अब बहुत मजबूती से सिलेंगी ये प्लीट्स और अच्छे से सेट हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी प्लीट सिल गई हैं धागा कट करके। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा धागे जो निकल रहे हैं ना, उसको हम कट कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग से। हमने ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये देखिए टोटल हमारा 4.5 इंच बैठ रहा है जो घेर है। ये देखिए अब हम इसके ऊपर चोली अटैच करेंगे। पहले हम इसको नाप लेंगे कि चोली हमारी सेट बैठेगी या नहीं। ये बिल्कुल सेट बैठ रही है, देखिए। अब हम इसके ऊपर इसको एक जगह इकट्ठा कर इस तरीके से और चोली रख के इसको सिल देंगे। आप चाहें तो डबल सिलाई लगा सकते हैं, बट हमने एक ही सिलाई लगाई है। ये देखिए आपको इस तरीके से फैलाते जाना है और इसको सिलते जाना है। और ये देखिए हमारी चोली सिल गई है और ये पूरी ड्रेस हमारी रेडी है। ये देखिए बहुत सुंदर घेर आया है, इसका लुक भी बहुत सुंदर आएगा इसको पहनाने के बाद। आप इसी तरीके से आप किसी भी फैब्रिक में इसको तैयार कर सकते हैं। आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।